तो इनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं? क्या नाम है आपका और कहाँ से ताल्लुक है आपका? इंडिया से। अच्छा इंडिया से, माशाल्लाह। अच्छा यहाँ पे आप कितने टाइम से ये कंपनी मतलब आप काम कर रहे हैं, हंगर के साथ हैं आप? एक साल हो गया। अच्छा एक साल हो गया। ऑर्डर्स यहाँ पे किस तरह हैं? ऑर्डर अलहमदुलिल्लाह बढ़िया है। ऑर्डर्स अच्छे हैं? तो मतलब दिन के नॉर्मली कितने ऑर्डर्स आप कर लेते हैं? दिन के नॉर्मली 15-16-17। अच्छा तो आपका टारगेट होता है कि नहीं आप खुद जो है ना? 15 का टारगेट। अच्छा अच्छा आप देख सकते हैं ये देखिए यहाँ पे ये आपको नज़र आएगा बेच शवरमा, काफ़ी लोग यहाँ पे होते हैं, काफ़ी फैमिलीज भी यहाँ पे आती हैं। ये देखिए आप ये जो है ना बेच शवरमा है और काफ़ी फैमिलीज यहाँ पे होती हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं आप यहाँ पे मोस्टली जो है ना आपको दिखाई देगा ये काफ़ी ज़्यादा रौनक होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो एक और वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं एक जगह में खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे रियाद में, मोस्टली मैं आपको बताता रहता हूँ। सुलेमानिया एक जगह है, यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है। बहुत आप जो है ना वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, मोस्टली यहाँ पे जो डिलीवरी वाले हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे हर कंपनी का है, हंगर का भी है, चाइज़ का भी है, और इस तरह जो है वो आपको मैं दिखाऊँगा। ये देखिए यहाँ पर जो है ना काफ़ी भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं, टी वाली भी है, नॉन फूड वाली भी है, हंगर वाली भी है, और इस तरह जो है ना जायज़ वाली भी है आपको नज़र आएंगे। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो यहाँ पे खड़े हुए हैं और ऑर्डर्स के लिए वो वेट कर रहे हैं। तो मोस्टली जो है ना आपको यहाँ पे नज़र आएंगे ये जो है ना असल में, ये देखिए आपको नज़र आएंगे क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपको पता है यहाँ पे जो हंगर का काम है यहाँ पे, और अगर दूसरे भी आप देखें यहाँ पे मसला ये है, यहाँ पे बेच शवरमा में इनके वैसे तो कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे जो टेक अवे सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं कोशिश करूंगा कि अंदर जाकर मैं आपको वीडियो बनाकर आपको बता दूं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है क्योंकि यहाँ पे हर ऑर्डर आता है हर कंपनी के, हंगर का हो, टीयू का हो, जायज़ का हो, तो आपको हर कंपनी से जो ना ऑर्डर यहाँ पे मिलेगा और वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं। टाइम थोड़ा लग जाता है क्योंकि जो ऑर्डर के लिए आता है तो ऑलमोस्ट पंचिंग में और फिर उसको ऑर्डर में टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद ऑर्डर ज़रूर मिलता है क्योंकि मोस्टली यहाँ पर बाइक्स वाले वो यहीं पर ही खड़े होते हैं कि हमें नज़दीक से ही ऑर्डर मिल जाए, तो यही इनको यहाँ होता है। मैं कोशिश करूँगा कि किसी भाई से बात भी कर लूँ ताकि मुझे पता चल जाए, उनसे बात कर लूँ। ये देखिए यहाँ पे अंदर जो है ना इनका सिस्टम है, यहाँ पे टेक अवे का, यहाँ पे ऑर्डर करने का अलग इनका सिस्टम है बैक साइड पे। तो सारे ज़्यादातर राइड जो है ना राइडर्स वो यहाँ पर आते हैं, ऑर्डर को पिक करते हैं और उसके बाद वो डिलीवर करते हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश होता है और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं ऑर्डर को, मोस्टली मुझसे मैंने भी कभी कभार यहाँ से ऑर्डर लिया है लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इस वजह से मैं ऑर्डर यहाँ से पिक नहीं करता, लेकिन मोस्टली जो है ना यहाँ से ऑर्डर आपको मिलता है। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं ऑर्डर्स के लिए, ऊपर जो है ना आपको इनवाइस मिलेगा और यहाँ पर जो है ना ऑर्डर मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे होते हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। जी भाई आपके साथ ये वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए आपको मैंने बताया कि बेच शवरमा है, यहाँ पे एक भाई जो है इनसे मैं मिला हुआ हूँ, तो इनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं? क्या नाम है आपका और कहाँ से ताल्लुक है आपका? इंडिया से। अच्छा इंडिया से, माशाल्लाह। अच्छा यहाँ पे आप कितने टाइम से ये कंपनी मतलब आप काम कर रहे हैं, हंगर के साथ हैं आप? एक साल हो गया। अच्छा एक साल हो गया। ऑर्डर्स यहाँ पे किस तरह हैं? ऑर्डर अलहमदुलिल्लाह बढ़िया है। ऑर्डर्स अच्छे हैं? तो मतलब दिन के नॉर्मली कितने ऑर्डर्स आप कर लेते हैं? दिन के नॉर्मली 15-16-17। अच्छा तो आपका टारगेट होता है कि नहीं आप खुद जो है ना? 15 का टारगेट। अच्छा अच्छा सही है सही है, मतलब आप कंपनी के साथ है तो आपको वो टारगेट। तो ज़्यादातर जो भाई यहाँ पे ज़्यादातर आते हैं तो ये सबके ऑर्डर्स आते हैं यहाँ पे? सबके। तो मतलब पूरे दिन आपको ऑर्डर मिलते रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि अक्सर औकात में यहाँ पे ऑर्डर लेने आता था तो काफ़ी ज़्यादा रश होता था। तो सही है, ओके। और कंपनी कैसी है ये बताएं? कंपनी सही है। अच्छा रिहाइश वगैरह कंपनी की तरफ से है कि नहीं? नहीं, रिहाइश वगैरह हम लोग के पास है, अपने जेब से पैसे। अच्छा सही है सही है, मतलब खाने का और रिहाइश का। ओके, और इकामा जो है वो कंपनी पे? कंपनी पे। ठीक है सही है, ओके। तो यहाँ पे मतलब आप 14-15 ऑर्डर्स कर लेते हैं, तो इसके अलावा आपको फिर बोनस मिलता है कि नहीं, क्या हिसाब? अच्छा सही है ठीक है। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे आपको मुख्तलिफ जो है ना कंपनीज वो नज़र आ रही हैं। भाई का बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे टाइम दिया। ये देखिए ये भाई भी हैं यहाँ पे, पठा रहे हैं लेकिन शर्मा रहे हैं। असल में इनके ऑर्डर्स हैं ना तो इनको टाइम इतना नहीं मिलता मुझे टाइम देने के लिए, तो इन भाई का बहुत शुक्रिया, इन्होंने बड़ा मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्यों? इसमें ऑर्डर दबाव है भाई के,
यार मैंने मैंने वीडियो में सुना था, एक वीडियो बनाई हुई थी किसी ने बनाई हुई थी, मैंने वो वीडियो सुनी, उसमें भी भाई कह रहा था कि यार हमें जो है ना कितने किलोमीटर आपको मिलता है, 15 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 24 किलोमीटर से नहीं तो उनको। हालांकि शुरू में जब मैंने काम शुरू किया था तो मुझे बाइक वाले यही कह रहे थे कि तकरीबन हमें ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलोमीटर मिलता है या 3 किलोमीटर। ये पहले मिलता, अब नहीं। ये क्या वजह होता है, आप क्या लगता है? दबाव नहीं, ऐसा लगता है कि सयारा हो गया है कि। अच्छा ये बताओ, ये भी इस तरह है कि मतलब मैं निंजा पे काम कर रहा था, ठीक है, तो निंजा पे इस तरह है कि जो खास वाले थे और जो जिनका महीना था तो उनका जो है ना आईडीज़ वो ब्लॉक हो गई हैं, तो इसमें भी यहाँ पे इस तरह है कंगर में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने उन्होंने बनाया हुआ था इसमें ऑर्डर आता है ज़्यादा दूर का आएगा, देखो ज़्यादा दूर का आया मैंने ऑर्डर छोड़ दिया, ठीक है, इसमें ब्रेक लग गया। अच्छा सही है, तो कितने टाइम के लिए ब्रेक लग जाता है? ये भी 15 मिनट का लगा हुआ है, कभी तो 2 दिन के लिए लग जाता है। सही है सही है, हंगर में इस तरह भी है। अब तो ये जगह ऐसा है ना कि जाने लायक नहीं है, अली बाबा ज़्यादा रहते और फिर हाँ सही है ठीक है, फिर आपको वापस भी आना होगा, आप वापस यहाँ पे आएंगे, वापस आना पड़ता है या उधर से तलब मिल जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है, सही। तो यही भाई ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन थी तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे टाइम दिया और इतना जो है ना उन्होंने मेरे साथ बातचीत की, तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की, तो ये एक वीडियो थी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।